IITN ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बताना चाहूं तो वो भी इसमें आप काउंट कर सकते हो, या फिर एक एनालिसिस जो परफेक्ट एनालिसिस कैसे हो सकता है वो इसके अंदर आपको मिलने वाला है। पूरा आपको मैं डेटा के बेसिस पे आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंदर आपको ये जानकारी मिलने वाली है कि बाजार के अंदर जो क्रैश हुआ वो क्रैश क्यों हुआ, ठीक है, उसके पीछे की रीजन क्या है और अब हमें क्या करना चाहिए, मार्केट के अंदर जो मिड कैप है स्मॉल कैप है उनके अंदर हमें क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए, मीडियम टर्म में क्या करना चाहिए और अभी प्रेजेंट के अंदर जो शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो है उसमें क्या करना चाहिए। साथ में क्या ये बाइंग का मौका बन चुका है, क्या अब हमें इनके अंदर बाइंग कर लेना चाहिए, तो सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपको देखना है, आपको चीजें तभी समझ में आने वाली है। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वहां पर आपको सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन या अपडेट मिलती है। साथ में आप हमसे अपने ट्रेड के बारे में डिस्कस कर सकते हो, कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब चलते हैं जो एनालिसिस है उसके ऊपर, और ध्यान से सुनना है, अच्छे तरीके से सुनना है, नोट करके रख सकते हो ये चीजें, ठीक है। तो अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पे आपके सामने जो एक स्लाइड ओपन हो रखी है इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर एंड, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर एंड क्या है, तो आपको पता है कि अभी जो मार्च 15 है वहां पे भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है और अभी आप देख सकते हो कि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है FY 23-24, ठीक है। तो इसका एंड है और ये फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, ये 31 मार्च को होने वाला है। तो इससे पहले क्या ये सब चीजें हो रही हैं, तो मार्केट में क्यों गिरावट हुई है, इसका क्या इसके साथ में कोरिलेशन है, तो ये एक-एक चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको ध्यान से सुनना है फिर आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहली मैं आपको बात बताता हूं, पहली बात ये है कि मार्केट के अंदर, अब बात मैं करूं तो आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर बहुत टाइप के म्यूचुअल फंड हैं, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, हाइब्रिड है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग है ना अपने रिटेल कैटेगरी जो SIP करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर अप्लाई करते हैं वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका जो रिटर्न है वो ज्यादा है, ठीक है, और उनका रिटर्न किस प्रकार से ज्यादा आ सकता है। तो वो जिस टाइप से स्मॉल कैप में और मिड कैप ने रिटर्न दिए हैं तो वो ऑर्डर डालते हैं किसमें, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर ऑर्डर ऑर्डर डालते हैं। तो इस चक्कर में अभी यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड थे उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। तो एक चीज तो ये कर रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड है वो क्या कर रहे हैं, अभी अपना टैक्स सेविंग के लिए, ठीक है, टैक्स सेविंग के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे पहले भी मैंने बता रखी है, हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे लेकिन आगे वाले पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने सुने नहीं होंगे, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तो अभी क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड है वो क्या कर रहे हैं, अपना एडजस्टमेंट कर रहे हैं, NAV का एडजस्टमेंट कर रहे हैं और साथ में वो अपना टैक्स प्लानिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। जो STCG होता है तो जो लॉस के अंदर कंपनियां चल रही हैं उनका लॉस है वो बुक करके नेक्स्ट डे यहाँ पे बाइंग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो रही है और ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये लास्ट मार्च तक भी होने वाली है। तो ये चीज के देखते हुए आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर गिरावट कंटिन्यूअसली दिख रही थी और आज ये क्यों हुआ है, ठीक है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, तो म्यूचुअल फंड मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट ये है कि 15 मार्च जो मैंने यहां पे डिनोट कर रखा है इस दिन क्या होगा, ठीक है। तो इस दिन हम बात कर लेते हैं, यहां पे होने वाला है कि जो म्यूचुअल फंड है उनका जो मिड कैप है, ठीक है, म्यूचुअल फंड के अंदर जो मिड कैप है, ठीक है, मिड कैप और यहां पे स्मॉल कैप, यहां पे लिख देता हूं मैं स्मॉल कैप, ये दोनों ही प्रकार के म्यूचुअल फंड को जो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है सेबी, ठीक है, उसने कहा है इन म्यूचुअल फंड्स को कि आपका स्ट्रेस टेस्ट है वो किया जाना चाहिए और स्ट्रेस टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो हमें 15 मार्च तक सबमिट करो, ठीक है। तो ये चीज कही है। अब स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड के अंदर यहां पे, ठीक है, लोग हैं वो मान लेते हैं कि 100 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर 100 लोगों का क्या है यहां पे इन्वेस्टमेंट है। अब
स्ट्रेस टेस्ट ये होता है कि सेबी ने कहा है कि आप म्यूचुअल फंड हो और अगर आपके अंदर वहां पे 50% लोग या फिर 75% लोग एक साथ रिडेम्पशन डाल देते हैं, यानी कि एक साथ ऑर्डर डालते हैं कि हमें पैसा चाहिए, हम बेच रहे हैं, तो आप उसका जो पैसा है उन लोगों का पैसा कितने दिन में दोगे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेस टेस्ट किया जा रहा है, तो इसके चलते हुए वो अपना टेस्ट करने के लिए कि हमने इस टाइप से टेस्ट किया है और ये जो रिपोर्ट है 15 तारीख तक वो सबमिट करेंगे। तो इस चक्कर में मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर आप देख सकते हो कि बिकवाली होती है, ठीक है, और ये बिकवाली होकर के वापस भी बाइंग करते हैं, लेकिन बिकवाली हो रही है वहां पे, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया म्यूचुअल फंड का, दूसरा भी म्यूचुअल फंड का हो गया, और तीसरा जो पॉइंट है वो भी यहां पे म्यूचुअल फंड का, जो मैंने आपको बोला है कि वो अपना टैक्स प्लानिंग करते हैं एसटीसीजी को लेकर के। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो फोर्थ नंबर का पॉइंट है वो क्या है। फोर्थ नंबर का पॉइंट है कि एसबीआई ने जो एक इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हुई थी, ठीक है, एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई थी और कल एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो इलेक्शन कमीशन को सेंड कर दी है, ठीक है, और एफिडेविट है वो भी यहां पे उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर सौंप दिए हैं। तो ये एक खबर है, ठीक है, कि 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन है वो सभी के सभी जो यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड थे उनकी जानकारी है वो पब्लिक करने वाला है। अब उसके अंदर क्या ऐसी गड़बड़ है क्या नहीं है वो देखना होगा, लेकिन मार्केट को ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रही है कि उसके अंदर कुछ नई चीज निकल करके आ सकती है। अब मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि एसबीआई ने कहा है कि 1 अप्रैल 2017, ठीक है, 1 अप्रैल यहां पे लिख देता हूं, 1 अप्रैल 2017 से लेकर के ये जो 15 फरवरी गया, ठीक है, 15 फरवरी 2024 तक का जो डेटा है, 24 तक का जो डेटा है, उन्होंने वो डेटा यहां पे इलेक्शन कमीशन को दिया है और उसके अंदर कहा है कि टोटल अब तक, ठीक है, टोटल की बात करें तो 22,217 यहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड है वो बाइंग किए गए थे और उसके अंदर से 187 है वो जो प्रधानमंत्री राहत कोष इमरजेंसी जो ऐसे कुछ राहत कोष योजना है उसके अंदर ये रिडीम किए गए थे और बाकी के आप देखोगे 22,000 जो 30 यहां पे बॉन्ड है इलेक्टोरल बॉन्ड वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा रिडीम किए गए थे। तो ये यहां पे देखना होगा कि किन किन पार्टीज को गए, तो ये डेटा थोड़ा सा सरप्राइजिंग कर सकता है। तो एक यहां पे ये भी फैक्टर सामने निकल करके आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में जो यहां पे पॉइंट है मैं आपको बताऊं जिसके चलते हुए मार्केट के अंदर गिरावट हुई है वो है यहां पे मैंने आपको बोला है कि 15 मार्च इंपोर्टेंट डेट है और 15 मार्च फिर से इंपोर्टेंट डेट क्यों होती है, ठीक है। तो आप देखोगे कंपनियां हैं बहुत सारी, ठीक है, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, म्यूचुअल फंड है बहुत सारे जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं और जो रिटेल जितने भी लोग हैं, ठीक है, HNI कैटेगरी में आते हैं, सबके सबको क्या करना है, एडवांस टिक है, ठीक है, एडवांस टैक्स है वो यहां पे जमा करना है और एडवांस टैक्स जमा करना है तो उसकी लास्ट डेट 15 को है और एडवांस टैक्स जमा करना है तो यहां पे वो भी अपने पोर्टफोलियो को यहां पे क्या करेंगे, टैक्स कम से कम जाए तो एक बार वो क्या करते हैं पोजीशंस के अंदर से स्क्वायर जो नेगेटिव में चल रही थी उनके अंदर से निकलने की कोशिश करते हैं। एक और चीज है कि टैक्स भरने के लिए पैसा चाहिए ना, तो पैसा तो भर भर के मार्केट के अंदर लगा हुआ था गले तक, तो टैक्स कहां से भरेंगे, तो रिडीम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है कि मार्केट के अंदर से यहाँ पे पैसा है वो थोड़ा सा रिडीम किया जा रहा है ताकि वो टैक्स भर सके, तो एक रीजन ये भी है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट रीजन है वो हमारा यहाँ 15 मार्च तक का एडवांस का तो हो ही गया। इसके बाद में इंडिया चाइना को लेकर के एक न्यूज भी निकल करके आ रही है कि इंडिया चाइना के बीच में जो टेंशन क्रिएट हो रही है वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है और लगभग 60,000 ट्रुप्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे दोनों फोर्सेस के दोनों साइड से जो LAC है वहां पे तैनात कर दिए गए हैं। तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ चीजें हो, इलेक्शन से पहले ऐसा कोई क्रिएशन हो जाए तो जो मार्केट को आउट यहाँ पे आउट ऑफ सब्जेक्ट या आउट ऑफ सिलेबस मिल जाए, तो ये चीज भी एक थोड़ा सा डर क्रिएट कर रही है, इसकी वजह से भी ये चीज हो रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे लास्ट वाला जो क्या है रीजन, ठीक है, तो लास्ट वाला ये है कि फाइनेंशियल ईयर का एंड है, ठीक है,
FY जो 23-24 है उसका एंडिंग है, तो सभी बैंक हैं, ठीक है, उनको अपना यहां पे बैलेंस शीट क्रिएट करनी है, ठीक है, उनको अपनी बैलेंस शीट को अच्छे तरीके से दिखाना है, ठीक है। आरबीआई ने भी यहां पे क्योंकि डेटा है वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर एंडिंग पे देना होता है, तो मार्केट के अंदर जो मार्जिन यहां पे दिया जाता है, ठीक है, तो वो मार्जिनिंग सिस्टम के अंदर थोड़ा सा यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मार्जिन प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, तो लोग हैं वो अपनी पोजीशंस को रोल ओवर करते हैं, या फिर वो यहां पे क्या करना पड़ रहा है उनको कि फाइनेंशियल ईयर एंड है तो वो बाइंग नहीं कर पा रहे हैं, तो एक रीजन ये भी यहां पे है निकल करके सामने आया है। तो यहां पे मैं अगर आपको सम अप बताऊं तो कौन कौन से रीजन हो गए जो मार्केट को गिरा रहे हैं, ठीक है, तो रीजंस की बात कर लेते हैं। पहला मैंने आपको बोला है कि जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, म्यूचुअल फंड अपनी एनएवी को एडजस्ट कर रहे हैं, दूसरा म्यूचुअल फंड है अपने टैक्स को यहां पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड आप बात करोगे तो एडवांस टैक्स, ठीक है, एडवांस टैक्स है वो भरने के लिए लोग हैं वो रिडेम्पशन भी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे 15 मार्च डेट है, ठीक है, 15 मार्च से पहले पहले या 15 मार्च तक ये देना पड़ेगा, तो यहां पे सेलिंग तभी तक हावी हो रही है, ठीक है। इसके बाद में इंडिया और चाइना, ठीक है, चाइना का फैक्टर भी सामने निकल के आ रहा है। इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, ठीक है, एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हो गई। और साथ में यहां पे जो ईयर हैंड है उसकी मार्जिनिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, ठीक है, वो अपने स्मॉल कैप, ठीक है, और जो मिड कैप हैं उनका स्ट्रेस टेस्ट भी कर रहे हैं, तो उसकी स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट है वो सेबी को देनी है, तो वो भी 15 मार्च है, तो इससे पहले सभी तरीके की जो सेलिंग है वो हो रही है, तो ये सारे फैक्टर हैं वो मिलकर के सेलिंग करवा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ठीक है, सवाल तो ये है ना सबसे बड़ा कि अब हम क्या करें, ठीक है, तो हम क्या करें, तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी सेलिंग करनी है, ठीक है, टैक्स से रिलेटेड करनी है, स्ट्रेस टेस्ट से रिलेटेड करनी है, मिड कैप स्मॉल कैप में जो भी हो रहा है वो 15 मार्च तक होगा, ठीक है। हालांकि टैक्स जो प्लानिंग है वो यहां पे मार्च के एंड तक होगा। अब आप देखोगे कि जो मिड कैप स्मॉल कैप है उनके अंदर ऑलमोस्ट अभी यहां पे थोड़ा सा जगह नीचे है, 3-5% मिड कैप के अंदर अभी गिरावट हो सकती है, और अभी आप देखोगे तो 5-7% की गिरावट स्मॉल कैप में अभी और हो सकती है। तो अब अगर यहां पे आप देखोगे कि एक बार ये गिरावट और हो जाती है, ठीक है, ये 2-3 दिन तक गिरावट हो जाती है, ठीक है, तो ये जो यहां पे आप देखोगे प्राइस वाइज, ठीक है, प्राइस वाइज जो करेक्शन है वो यहां पे हो जाएगी, फिर बचेगी हमारी टाइम वाइज करेक्शन। तो अब आपको क्या करना है, आपको जो सेलिंग होनी थी वो तो शुरू हो चुकी है, मिड के अंदर है, अभी भी आप प्रॉफिट में, तो आप निकल सकते हो, ठीक है, क्योंकि सेलिंग और होगी, ये 1-2 दिन के अंदर भी हो सकती है, फिर रुक भी सकती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अब ये आपको ध्यान रखना है कि मार्च के अंदर ही लेने का टाइम भी है वो आ चुका है, अब आपको लेना है, ठीक है, लेना कब है, तो 15 मार्च के बाद में ही लेना है। और किस टाइप से लेना है, अगर आपको 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो आपको यहां पे क्या करना है, 30% और 20% और 20% के रेशियो में, यानी 30% आप एक बार में आप यहां पे डालोगे, 30% एक बार में डालोगे, 20-20 रुपीज एक बार में आप डालोगे, ठीक है, एक साथ नहीं डालना है, आपको डालना है, लेकिन 15 मार्च के बाद में आप अच्छे जो स्टॉक्स हैं, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, कोई भी प्रकार के स्टॉक्स हो, अच्छे क्वालिटी के, उनमें आप डालिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लॉन्ग टर्म वालों को तो यहां पे आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, वापस आप देखोगे बैक साइड में जाकर के तो जो मिड कैप है, ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप की यहां पे जो रैली है ना, आप देखोगे रैली वो कब शुरू हुई थी, तो वो हुई थी मार्च, ठीक है, मार्च 2023, ठीक है, 2023 के यहां पे एंड से, ठीक है, और आप देखोगे अप्रैल के फर्स्ट से, अप्रैल जो यहां पे फर्स्ट आप है उससे ये रैली शुरू हुई थी, और अभी आप देखोगे कि ये यहां पे वापस उसी जोन के अंदर आया है, तो ये रैली वापस से अप्रैल के अंदर शुरू हो जाएगी, तो आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है कि क्यों मार्केट गिर रहा है, उसके 7 रीजंस भी बताए हैं, और अब आपको क्या करना है, मिड कैप स्मॉल कैप में किस टाइप से और कब आपको इन्वेस्टमेंट के लिए वापस से बाइंग करना है, ठीक है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।